कल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर अत्तापुर में साई सूर्या हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एक आदमी मुत्यालू बोल के 65 ईयर्स का उम्र का आदमी, उनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है बोल के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करके कल 11 बजे सर्जरी भी किए थे। फिर सर्जरी होने के बाद कल शाम तक उनका एनेस्थीसिया से रिलीफ नहीं हुआ बोल के कोमा में चला गया। फिर कोमा से ऐसी उनका इंतकाल हो गया बोल के डॉक्टर लोग, डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो लोग उनके तबीयत के बारे में केयर नहीं किया बोल के वो जो डिसीज है उनके लोग अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है। वो कंप्लेंट के ऊपर हम एक FIR बुक किया क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए। फिर डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजा गया है। उस्मानिया में जब पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के ऊपर लीगल एक्शन लेने के कोशिश में है। पेशेंट है नो ऑलरेडी थोड़ा राइट साइड थोड़ा पैरालाइज्ड हुआ था उनको 4 मंथ्स बैक, बीपी शुगर था तो उनको यूरिन थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए एक छोटा ऑपरेशन का ज़रूरत है, छोटा सर्कमसेशन बोल के एक ऑपरेशन का ज़रूरत था। तो उधर वो साई सूर्या हॉस्पिटल बोल के अत्तापुर में है 152 पिलर के अपोजिट, उसके उसमें थोड़ा काम गिरा था बोल के हॉस्पिटल 20 मिनट का सर्जरी है बोल के उन्होंने बुलाए, सुबह कुछ भी नहीं खिलाया। वैसे 6:25 को हमारे को बुलाए, 6:25 को हम लोग हॉस्पिटल में है, 6:25 के बाद सर्कमसेशन करते बोल के पूरा बीपी सब चेक करे सर। फिर बाद में कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन मांगने के लिए उसको भी बुलाया डॉक्टर को, उसका भी ओपिनियन लिए, पूरा परफेक्ट था। 1 बजे वो छोटा ऑपरेशन जो है 20 मिनट का कर डाले, जब तक हमारा पापा बिल्कुल ठीक था, हमारा बिल्कुल ठीक था, बीपी सही था, पूरा शुगर लेवल्स एकदम सही थे। आफ्टर सर्जन वो सर्जरी होने के बाद पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है, पूरा अनकॉन्शियस में थे। अभी वो सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर में जाके आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कितना दिए डोज, वो उनको एक्सपीरियंस है नहीं है नहीं मालूम हमारे को। वो डॉक्टर का नाम है राजेश, वो कामिनी हॉस्पिटल में कर रहा है शायद, हाँ। तो उन्होंने आके सर्जरी करे, 8 सर्जरीज कुछ हुआ था, उसमें हमारा पापा भी एक जन है। तो उन लोग क्या बोले, हम लोग डर रहे थे पहले से, उनको बीपी शुगर है, सुबह से खिलाए नहीं, खिलाना कुछ खिलाना कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे के नहीं गए डॉक्टर। तो बाद में भी हम लोग ट्राई करे हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट नहीं करे, पूरा अनकम्युनिकेट करके चले गए। और ड्यूटी में ड्यूटी डॉक्टर को है जो है वो भी एग्जैक्ट चेक नहीं करा। बाद में हम लोग क्या करें, वो 3-4 घंटे हो गया, 2 घंटे का कॉन्शियस है, 3-4 घंटे तक अनकॉन्शियस में थे, अनकॉन्शियस हम लोग डर गए। क्या हुआ भाई क्या हुआ बोलो, तो सब लोग थोड़ा डेंजर ऐसा सीरियस दिखने के बाद क्या करें, सब लोग डॉक्टर का पूरा स्टाफ पूरा भाग गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स थे या अकेले थे? 8 आदमी सर्जरी करने वाले थे सर, और वो भी पेशेंट्स थे बाहर, वो भी पेशेंट्स थे, उन लोगों को देख रहे कब देख रहे मालूम नहीं। हम लोग ऊपर गए थे, एडमिट थे, हाँ हम लोग एडमिट थे 1 दिन के लिए। 8 सर्जरीज हमारे साथ हुआ था सर, 8 सर्जरीज हमारे साथ हुआ था। तो बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए, इन लोगों को इनको क्या हुआ, थोड़ा पैरालाइज्ड है इनको, थोड़ा ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा चीख चिल्लाना थोड़ा हमारे को सुनाई दिया। बाद में ना कितना वो मत्तू दिए मालूम नहीं हमारे को। बाद में आने के बाद 3-4 घंटा हुआ, 6-7 बजे तक हम लोग डॉक्टर बोल के एक फ्लोर दूसरी फ्लोर पूरा घूम रहे, मगर ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। ड्यूटी डॉक्टर अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, वो सर्जन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको क्या देना नहीं देना देख के चले, तो हमारा पापा हमारे को बचता था। फिर भी उसका वो सर्जन का और वो हॉस्पिटल वाले को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हम लोग CPR दिए। हमारा भाई केयर हॉस्पिटल में थोड़ा वार्ड बॉय के जैसा 1-10 साल पहले कर चुका है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है बोल के उन्होंने CPR करे, मुंह में मुंह लगा के वो थोड़ा ऑक्सीजन दिए, हाँ। पूरा उन लोगों के पास इमरजेंसी किट्स कुछ भी नहीं है, उसका हमारा वीडियो क्लिपिंग से, और वो डॉक्टर के साथ जो बात करा उन्हें भी बोला हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं दूसरा हॉस्पिटल लेके जाता हूँ आप लोगों को दिलाता हूँ, उसका ऑडियो क्लिपिंग्स भी है सर। पुलिस कंप्लेंट करे, पुलिस राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे सर। तो मैक्सिमम हमारे को इंसाफ करने के लिए ट्राई करो सर आप प्लीज़, मेहरबानी।